में बना के दे रहा हूँ, पर खुद खड़े होके बनवा रहे अपने सामने, कुछ कमी जो भी है खुद अपना बताते हैं क्या करना, खुद कर रहे हैं अपनी मर्जी से बनवा रहे हैं, पर माल मटेरियल सब मेरा लग रहा है। आपसे पूछना चाहूंगा, एक बार आप माइक लेंगे थोड़ा सा, ये बताइए जैसे यहाँ पर लोग कहते हैं कि जी डीलर खुद बना करके दे रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या सही मटेरियल नहीं लगा होगा, तो आप थोड़ा सा बताइए मटेरियल के बारे में। नहीं, मटेरियल बिल्कुल ओके, हम अभी तक इसके बारे में कह नहीं पाए हैं कि मटेरियल इसमें आपका ऐसा लगा या ऐसा लगा, कभी मटेरियल के बारे में नहीं बोल पाए हैं हम। और यहाँ पर देखो आपको ईंट भी बजा के दिखा देते हैं, ईंट नंबर एक की ईंट है, ये देखो अव्वल ईंट है, देखते हैं सारे लोग, सब आप भाइयों का प्यार है, साइट विजिट के लिए आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जो मुझे लगता है यहाँ पर लेने के लिए आता होगा जी, वो तो वापस वो लेके जाता है जी, यहाँ पे बने जो खा पी के बचे वो देते रहो, महीने में 5,000, 7,000, 10,000 जो बचे वो देते रहो। पहले पैसे हमने इन्हें दिए थे खाली 1500 रुपए से बुकिंग किए, क्या बात है। हाँ। और आज की डेट में आपको ये घर बना करके दे रहे हैं। हाँ जी। तो आपको उस पर टाइम कितना दिया था, कितने साल के लिए किस्तों पे दिया है? हमारे को दिया है 3 साल में, और बाकी कोई टाइम टेबल की वो नहीं है, इन्होंने कही है कि 3 साल भी है 4 भी हो जाएंगे तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है, आप रहो बसो कमाओ खाओ और अपने किराए से बचो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिराज सैफी। तो दोस्तों, सिराज सैफी की एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की तरफ से हमेशा डिमांड आती है कि सिराज भाई कोई अच्छी प्रॉपर्टी दिखाएं, वो भी बिल्कुल दिल्ली के पास। तो लो, मैं आज आपके लिए लेकर के आ गया हूँ बिल्कुल दिल्ली के पास प्रॉपर्टी, और एक बार मैं फिर से आपको लेकर के आया हूँ न्यू आलम प्रॉपर्टीज। न्यू आलम प्रॉपर्टीज से हमारे साथ हैं आलम भाई। आलम भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया सिराज भाई, आप सुनाओ। सभी भाइयों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका आलम भाई आपके लिए लेके आता रहता हूँ अच्छे अच्छे प्लॉट, और आज भी लाया हूँ। आज ऐसी कॉलोनी लाया हूँ, फुल आबादी, क्या बात, और पूरा बसा हुआ। जैसा आप प्लॉट चाहो मेरे पास हर तरीके के प्लॉट मिलेंगे आपको। आलम भाई, जैसे बात करते हैं हम यहाँ पर दिल्ली से कितनी दूरी पर हो जाती है, आसपास मेट्रो स्टेशन क्या है, या जो दिल्ली का पॉश एरिया जैसे कि कनॉट प्लेस वगैरह, सादरा वगैरह, कितनी दूरी पर है यहाँ से? जी सिराज भाई, ये खजूरी से आपका 7 किलोमीटर पड़ता है, मेरे ऑफिस से 1.5 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है जी। और आपका सबापुर दिल्ली 94 है, वहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। और इसके बराबर में रेलवे स्टेशन है खड़खड़ी स्टेशन, वो सीधा आपको पुरानी दिल्ली जाती है ट्रेन, और 15 मिनट में पुरानी दिल्ली पहुंचा देगी। यहाँ से आपका शादरा पड़ता है 7-8 किलोमीटर, और शिव विहार मेट्रो स्टेशन पड़ता है 3.5-4 किलोमीटर। तो आलम भाई, अब ये बताइए, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि निराश हो चुके हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कहीं पर बना हुआ घर ले सकें, तो उनके लिए आप क्या ऑफर लेकर आए हैं, यानी वो अपने घर में रह सकें, ऐसा कुछ बताइए जो उन्हें कम पैसा देना पड़े। भाई, जिनका बजट नहीं है मैं उनको ही ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, आप आओ एक बार देखो, आपको सस्ते से सस्ता रेट लगा के दूंगा। भाई, यहाँ तो पानी बहुत ही अच्छा है, यानी पहले से लोगों ने सबमर्सिबल भी लगाए हुए हैं, और अगर कोई सप्लाई का पानी यानी मिनरल वाटर पीना चाहे तो वो भी पी सकता है, वो भी ले सकता है जी, ये देख सकते हैं इस तरह से पानी की गाड़ियाँ आती हैं। भाई, उन लोगों के लिए बताइए जो कि बना बनाया घर लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो उनके लिए आप क्या ऑफर लेकर के आए ताकि वो अपने घर में रह सकें? भाई, उन्हीं भाइयों को तो ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ मैं, यानी जिनका बजट नहीं है मेरे भाई मुझसे जुड़ के अपना मकान बना सके, और उनका अपना आसियाना हो जाए, आप वो अपने मकान में आकर रह सके, जो आपका बजट है 10,000-20,000-50,000 वो जमा करो, फिर अपना हर महीने किस्तों में देते रहो। क्या बात है, यानी दोस्तों यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप खाली प्लॉट लेना चाहें तो खाली प्लॉट ले सकते हैं, आप प्लॉट को बनवा करके लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, थोड़ा सा पैसा देने के बाद बाकी का अमाउंट आपको किस्तों पे देना है। पक्की रजिस्ट्री दूंगा, दाखिल खारिज करा के दूंगा, एनओसी दूंगा जी। क्या बात है, एनओसी पास करा के, यानी आबादी में कन्वर्ट करा रखी है कॉलोनी 143 करा के तब काट रहे हैं प्लॉट, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों, रेजिडेंशियल कॉलोनी है, आप पहले से देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ पर लोगों ने घर बनाए हुए, मीटर लगे हुए घरों पर, ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है। तो आलम भाई, आज की वीडियो में जो आप प्रॉपर्टी दिखाने वाले हैं उसका क्या नाम होने वाला है? ये दिल्ली सिटी मैंने आपको दिखाई है, ठीक है, दिल्ली एक्सटेंशन सिटी नाम है, क्या उसमें है? आपको सब सुविधा मिलेगी, लाइट की, पानी की, पास में, और आपका लाइट पानी पास में, रेलवे स्टेशन, पक्के रोड, और आपको पार्क कॉलोनी में सब सुविधा, यानी। तो दोस्तों, एक बार चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह की दिल्ली सिटी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप ये मेन रोड देख रहे हैं, इसी मेन रोड से आपको एंट्री मिलने वाली है इस गली की, और यहाँ पर देख सकते हैं एक काफी बड़ा प्लॉट, रोड का प्लॉट है सर। सिराज भाई, ये 200
सौ गज का मैंने एक भाई को दिया है। क्या बात है, ठीक है। और तो दो भाई हुए, 150 गज का एक का हो गया, पीछे का ये 50 गज एक दूसरे भाई का, ठीक है। ये मैं बनवा के दे रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर तो दुकानें भी निकाल सकते हैं, दुकान जी दुकान भी निकाल सकते। दोस्तों इस तरह की लोकेशन पर अगर आपको प्लॉट चाहिए कि आप यहाँ पर इस तरह से दुकान निकाल सके, ये भाई ने निकाल रखी इन्होंने, ये दुकान आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो ऐसी लोकेशन पर प्लॉट चाहिए तो भी आपके आलम भाई के पास ये लोकेशन मिल जाएगी, ऐसे प्लॉट मिल जाएंगे, तरीके की जमीन हमारे पास, जैसे आप लेना चाहो। रोड से पूरा बसा हुआ है, आपको चाहिए तो इस तरह से जमीन मिल जाएगी। यहाँ भी घर आपको बनते हुए दिखाई दे रहा है, पूरा बसा हुआ सब, एक ये भी बना हुआ है। सिराज भाई, सब कॉलोनी में मेरे 10-5 काम चलते रहते रोज परमानेंट, और ये सारी कॉलोनी बसी हुई है। क्या ये देखो, आओ भाई। अच्छा, ये इन्होंने घर में दुकान की हुई है आप? हाँ जी, हाँ जी। सर क्या नाम है, आप नीचे आ जाएंगे थोड़ा सा? हाँ जो आपका क्या नाम? इनकी दुकान है, कृपाल सिंह जी। कृपाल सिंह, थोड़ा सा और नीचे आ जाइए। तो जी आपने घर बनाया है, फिर दुकान भी बनाई है, यानी रोजगार भी साथ में और घर भी साथ में। यानी दोस्तों आप यहाँ पर रह भी सकते हैं, दुकान भी कर सकते हैं। तो दुकान वगैरह तो ऐसी चल जाती होगी ना जी, कि रोजी रोटी पूरी हो जाती है? रोजी रोटी बढ़िया निकल रही है। क्या बात है। और सर बिजली पानी की व्यवस्था? हर चीज तैयार है, हर चीज। दोस्तों इन्होंने इसमें कई काम कर रखे, अंदर चल के दिखा सकते हो। लाइट का भी काम कर रखा है, दिखाओ अंदर। बिजली का काम है, बिजली का काम है, तार वार देखो, परचून के कई काम कर रखे हैं, अंदर कई काम किए हुए हैं। हाँ जी, तो लोगों की जरूरत है वो सारी चीजें ये पूरी कर रहे हैं आज। हाँ जी, हाँ जी। कृपाल जी, जैसे आप हमारे व्यूअर से कुछ कहना चाहेंगे, जो हमारे नए भाई यहाँ पर आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो उनके लिए कैसी रहेगी ये जगह? बहुत अच्छी चीज रहेगी जी, और आलम भाई बहुत बढ़िया आदमी है। क्या बात है। ठीक जी, ठीक है जी। जैसे आलम भाई से आपने प्लॉट जो लिया था, कितना टाइम हो गया होगा आपको? मेरे को 3 साल हो गए जी, 1 लाख रुपए दिए थे, बाकी किस्तों में दे रहा हूँ, बना के बैठे को कब्जा मेरा। क्या आप रोजगार खोल लिया ये रोजी? दोस्तों क्या इससे अच्छी बात कहीं आपको मिल सकती है, कि घर भी आपको मिल गया, रोजगार भी मिल गया, यानी आपको कहीं दूर भी नहीं जाना है। तो इसी तरह के प्लॉट भी आलम भाई के पास है, ये व्हाइट वाला मकान भी मैं ही बना के दिया। क्या बात है, ठीक है। एक बार इसे भी देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों, मैं कम्प्लीट है, बस इसमें इसका मुहूर्त ही मानो। अच्छा आलम भाई, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बिजली का मीटर भी लगा हुआ जी। कैमरा मैन से मैं कहूँगा एक बार थोड़ा मीटर जूम करके दिखाए, इसका मुहूर्त 15 तारीख से चालू है जी। क्या बात है, ये पूरा मकान बन गया है, सारा काम पेंट पुताई का काम रह रहा है, बस सब हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से लोग बना करके रह रहे हैं, ऐसी बसावट में आपको ये सारी कॉलोनी देखो कैसी है, पूरी बसी हुई है, ठीक है। देख सकते हो, आपको देख सकते हैं पीछे ट्रेन भी आपकी जाती हुई आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ से थोड़ी थोड़ी देरी में ये ट्रेन जाती है, हर आधे घंटे में। तो आलम भाई मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, यहाँ पर मतलब बिल्कुल रेलवे स्टेशन पास में? हाँ जी, हाँ जी, बराबर। तो रेलवे स्टेशन का क्या नाम है जी? खड़खड़ी स्टेशन है, पुरानी दिल्ली वाली लाइन है, ठीक है। 15 से 20 मिनट में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाओगे। क्या बात, और इधर सीधा हरिद्वार, ठीक है जी, रुड़की कहीं भी जा सकते हैं आप। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो ट्रेन का स्टेशन है वो भी पास में मिल रहा है, और यहाँ पर कुछ लोग भी आए हुए हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर प्लॉट ले चुके हैं, और आज की डेट में इनके प्लॉट बन रहे हैं। जैसे कि ये पीछे एक घर यहाँ बनना है, ये भाई का एक इधर बनना है, ये सारे घर बनने। सिराज भाई आपने देखा होगा 15-20 दिन पहले ये कुछ नहीं था। हाँ जी, 15-20 दिन पहले हमने ये कटिंग चालू करी थी, ये सब मकान नए बनने चालू है। तो और लोग बाग मुझसे ही बनवा रहे, मैं ही बना के दे रहा हूँ। तो इस लोकेशन का क्या नाम है? यानी ये दिल्ली सिटी नाम है, दिल्ली सिटी। हाँ, दोस्तों दिल्ली सिटी के नाम से ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर मिल रही है। आप कहाँ से हैं? नोएडा से। नोएडा से, तो आप यहाँ तक मतलब कैसे आए, आपको किस तरह पता चला कि आलम भाई प्लॉट सेल करते हैं? हम आलम भाई वीडियो देख के आए हुए थे। अच्छा जी, हाँ जी। तो अभी आपने यहाँ पर कोई प्लॉट लिया है? हाँ प्लॉट लिया, वो हमारा प्लॉट है। कितने गज का? वो हमारा 42 गज का है, और वो बन रहा है। ठीक है जी। दोस्तों ये जो आप यहाँ पर हाई टेंशन वायर देख रहे हैं, ये सारी हाई टेंशन वायर प्रोजेक्ट से बाहर है, पल्ली तरफ को जो आपको दिखाई दे रही है, आपके प्रोजेक्ट में कोई भी हाई टेंशन वायर नहीं आएगी। तो अब ये बताइए सर, आपने जो इन्हें प्लॉट खरीदा है, पहले पैसे कितने दिए थे? पहले पैसे हमने इन्हें दिए थे खाली 1500 रुपए से बुकिंग किए थे। क्या बात है। हाँ, और आज की डेट में आपको ये घर बना करके दे रहे हैं? हाँ जी, घर बना। कितना मंजिल बनवा रहे हैं? हम फर्स्ट अभी ग्राउंड फ्लोर ही बनवा रहे हैं। तो अभी कितने पैसे दे चुके हो? अभी तक मान लो अभी ऐसे ही दिए हैं, बनवाने के खाली भी दिए हैं खाली 1.5 लाख रुपए, बस 1.5 लाख रुपए, बाकी कुछ नहीं। फिर भी 1.5 लाख में प्लॉट भी दे दिया, जमीन भी दे दी, और बना के भी दे रहे हैं, लिंटर वाला भी बनवा रहे हैं जी। तो दोस्तों आलम भाई देखो खुद बता रहे हैं, और ये कस्टमर खड़े हैं जिन्होंने लिया है प्लॉट, यानी प्लॉट भी ले लिया है और उसको बनवा भी, ये सामने है लेंटर गिरने वाला, और देखो एक मंजिल बन भी गया है, समर हो रहा है इसमें, ये देख सकते हैं। हाँ, लेंटर इसमें गिरेगा 2-4 दिन बाद, समर होने के बाद। यानी लेंटर वाला मकान बना करके दिया जा रहा है आपको यहाँ पर, सिर्फ सर ने 1.5 लाख रुपए अभी दिए, इसके बाद बाकी का पैसा आप किस्तों पे देंगे? बाकी किस्तों पे देंगे। क्या बात है। और अलग अलग इंडिया में हर स्टेट से आकर के और यहाँ पर प्लॉट खरीद रहे। ये भाई ये आए नांगलोई साइड से, कहाँ से आए आप? नजफगढ़। नजफगढ़ से? अच्छा, आप नजफगढ़ से आए हुए। तो सर आपने कितने गज का प्लॉट लिया है यहाँ पे? ये मैंने
मैंने लिया 50 गज का प्लॉट। 50 गज का, तो आप भी बनवा रहे हैं उसको या खाली प्लॉट है अभी? नहीं अभी खाली प्लॉट है, जब गुंजाइश होगी, कहते ना गुंजाइश होगी तो जब भरवाएंगे, नहीं तो। फिर भी कितना पैसा दिया होगा शुरू में? मैंने तो ज्यादा नहीं है, 10,000 रुपए दिए थे बस। क्या बात है। तो आपसे पूछना चाहूंगा सर, आलम भाई ने जो आपको प्लॉट दिया है तो आपको उस पर टाइम कितना दिया था, कितनी साल के लिए किस्तों पे दिया है? हमारे को दिया है 3 साल में, और बाकी अच्छा कोई टाइम टेबल की वो नहीं है। इन्होंने कही है कि 3 साल भी हो, 4 भी हो जाएंगे तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है, आप रहो बसो कमाओ खाओ और अपने किराए से बचो। क्या बात है। यानी दोस्तों यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो टाइम दिया गया है उसी में आपको पैसा देना है। अगर आप लेट सवेर हो जाते हो उसमें भी आपके लिए बहुत अच्छी हेल्प करने वाले बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं जो अलग अलग स्टेट से भी आते हैं, दूर से आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर रोजगार के लिए क्या चीजें हैं जिनसे कि वो काम कर सकते हैं? उनके लिए भाई साहब पास में 200-250 मीटर हटके ये पीछे फैक्ट्री एरिया है, ठीक है जी। यहाँ से आप पैदल 4 से 5 मिनट में पहुंच जाओगे फैक्ट्री एरिया में, पास में रेलवे स्टेशन है, 15 मिनट में पुरानी दिल्ली पहुंच जाओगे। यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर दिल्ली 94 में पड़ता है, सभापुर दिल्ली 94 करावल नगर, तो वहाँ पे आप दिल्ली के नजदीक हो कहीं भी काम कर सकते हो। आप ये नहीं कि देहात में ले रहे हो या दूर से दूर तक, कुछ नहीं है, यानी 1 से 2 किलोमीटर के अंदर में आपको दिल्ली टच हो जाएगा। तो दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं, यानी कि इंडिया की राजधानी दिल्ली, वहाँ पर तो सभी तरह के काम आपको मिल जाएंगे, जो भी काम आपको आता है वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये लाखों कंपनी है, जो फैक्ट्री है ना, ये हमारी साइड से लेके वजीराबाद जमुना है जो बुराड़ी के पास है, सिग्नेचर ब्रिज है, यहाँ से वहाँ तक का ये फैक्ट्री एरिया है और लाखों फैक्ट्री यहाँ पे टोटल मिला। यहाँ पर दोस्तों रोजगार की भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो प्रोजेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली सिटी के नाम से है, इसी तरह के आपके पास कितने प्रोजेक्ट है? मेरे अब 9 साइड चल रही है, 2 साइड और नई ली है, 11 साइड हो जाएगी फिर। सर यहाँ बच्चों के स्कूल का क्या है, जैसे बच्चे अगर पढ़ेंगे तो? स्कूल यहाँ से 200 से 300 मीटर के अंदर में ही है सब कुछ। एक स्कूल तो यहीं पे ही कॉलोनी में मेरी, ठीक है, एक तो इधर है स्टेशन पे, स्टेशन पे भी सब कुछ, स्कूल कॉलेज मार्केट सब है। यानी कि दोस्तों आपको मार्केट स्कूल और रोजगार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको करना क्या है, आलम भाई के पास आना है। इनके पास 10 से 12 ऑप्शन है, अलग अलग जगह पे प्लॉट है, जहाँ आपको अच्छा लगता है, जिस रेट का आपको अच्छा लगता है वहाँ पे आप प्लॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक और मकान बनाया जा रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये इस घर के ओनर हैं। तो सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद तौसीफ। मोहम्मद तौसीफ, सर ये बताइए आपने जो ये घर लिया है, यानी कि आपने जो जगह ली है प्लॉट, आलम भाई से लिया है? हाँ बिल्कुल। तो आप इसे खुद बना रहे हैं? हाँ। यानी आप इस काम को करते हैं, राजमिस्त्री हैं? हाँ। क्या बात है। यानी दोस्तों देखो यहाँ पर इस तरह के लोग भी आ रहे हैं जो खुद से राजमिस्त्री हैं और अपना घर खुद भी बना रहे हैं। तो आपने जो प्लॉट लिया है कितने गज का प्लॉट था जी? 50 गज। 50 गज, कितने पैसे दिए आपने पहले? हमने 50% दिया। 50%, ठीक है, उसके बाद बाकी पैसे? 50% देती, रजिस्ट्री करा दी, क्या बाकी किस्तों में देते रहेंगे, इनकी रजिस्ट्री हो चुकी है। तो दोस्तों देखो इनको पैसा इसलिए और बच जाएगा क्योंकि खुद से मकान बना रहे हैं। तो इस तरह के लोग भी यहाँ पर प्लॉट ले रहे हैं जो खुद से राजमिस्त्री हैं। सिराज भाई सबको सपोर्ट होगी, जो जैसे खुश मेरा भाई ऐसे मैं खुश। क्या बात। इन्होंने अपना आधी पेमेंट दी, एंड टू एंड मैंने रजिस्ट्री करा दी इनकी, रजिस्ट्री कराती अपना काम चालू कर लिया, आप पूछ सकते हो और काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत जी। अब मतलब आपको कैसा लग रहा है, इससे पहले आप कहाँ रहते थे? हम आजादपुर रहते थे। आजादपुर दिल्ली के अंदर? हाँ। तो वहाँ पे किराए पे थे? किराए पे। यानी अब आप घर बना लेंगे, अपना खुद किराया नहीं। हाँ। देना पड़ेगा आपको। हाँ, बिल्कुल। तो यानी किराए से मुक्ति मिल गई है ना जी? हाँ, बिल्कुल। छुटकारा मिल गया किराए से। तो कैसा लग रहा है अभी, आप खुद के घर में आओगे अब? हाँ खुद के घर में आएंगे तो बेहतर लगेगा, बेहतर लगेगा। तो दोस्तों देखो घर भी है, खूब अच्छे से बनाया जा रहा है, कोई छोटा मोटा नहीं बनाया जा रहा है। ये देखो दीवारें देख सकते हैं, काफी अच्छी दीवारें, 9 इंच की दीवारें, और यहाँ पर काम भी अच्छा है, और इन्होंने समरसिबल वगैरह भी लगा लिया है यहाँ पर। हाँ जी, ये देख सकते हैं, देखो इधर ये लो जी। और तो दोस्तों इस तरह के घर यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाएंगे देंगे, आप रोज यहाँ पर आएंगे कुछ ना कुछ नया ही आपको यहाँ पर दिखेगा। दोस्तों एक और मैं आपको यहाँ पर घर दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप आएंगे तो आपको रोज घर बनते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि एक ये घर बन रहा है, ये देख सकते हैं, ये मिस्त्री साहब है, चिनाई कर रहे हैं। तो ये घर जी आपका है? हाँ जी, हाँ जी। आप बनवा रहे हैं, क्या बात है। सर कितने गज का घर होगा ये? ये 30 गज का। 30 गज, यानी जिसका जैसा बजट हो वैसा ले लेता है। लो 30 लो। तो आप कहाँ से हैं जी? हम तो जिला बदायूं। जिला बदायूं, क्या ये बदायूं से आए? डायरेक्ट बदायूं से आके इन्होंने प्लॉट लिया हमसे। अच्छा जी। दोस्तों तहसील बिसोली, इतनी दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपना घर बना रहे हैं और रहना स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में यहाँ पर आपको सारी चीज़ों की फैसिलिटी मिलने वाली है, पानी बिजली रोड सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करके दी जाएंगी,
क्योंकि इस सिटी का नाम होने वाला है दिल्ली सिटी। राज भाई मेरी हर कॉलोनी में, हाँ जी, एक मैं सभी भाइयों के लिए, ठीक है जी, यानी देखभाली के लिए एक मैनेजर छोड़ता हूँ। हाँ, ये इस साइड के मैनेजर है। क्या बात है, यहाँ की देखभाली, हाँ, किसका क्या काम होना क्या नहीं, ये सब ये काम करा के। आप साइड इंचार्ज है? हाँ जी, हाँ जी। किसी को भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है, पानी की, सीमेंट की, रोड़ी की, मिट्टी की, सारी चीज प्रोवाइड कराते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो इसी तरह से दोस्तों इनकी जो भी 10 से 12 साइट है वहाँ पर आपको हर जगह कोई ना कोई एक आध बंदा मिलेगा आपको जो वहाँ की देखभाल करेगा, आपका कोई नुकसान ना हो, आपकी कोई जरूरत का सामान हो वो सब आपको पूरा करवाएगा। क्या बात है, हाँ जी। ये प्लॉट, अच्छा जी, जो इन्होंने, अच्छा जी, ये जो प्लॉट है आपने लिया आलम भाई से जी, तो ये कितना गज का प्लॉट लिया आपने जी? 30 गज का। 30 गज का जी। पहले पैसे कितने दिए थे जी? जी हमने 5,000 जमा करे थे सबसे शुरू में। क्या बात है, सिर्फ 5,000 जी, और उसके बाद आपको प्लॉट मिल गया है जी। तो ये आप खुद से बना रहे हैं या आलम भाई बनवा के दे रहे? नहीं, बनाया तो अपने पास सही है। अच्छा जी, थोड़ा बजट इतना नहीं था इसलिए हमने आलम भाई से नहीं मंगवाया, मगर आलम भाई ने हमसे कहा था कि अगर तुम चाहो तो बनवा सकती हो। बनवा सकती हो जी। यानी दोस्तों दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप चाहें तो खुद से बना सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आलम भाई से बनवाना है तो वो भी आपके लिए बना करके दे देंगे। भाई आलम भाई से आलम भाई बनाएगा बढ़िया मकान, ठीक है। तो इनका, मेरी बहन है, इनका थोड़ा कम बजट था तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि मैं थोड़ा चद्दर का बना के अपना, अच्छा, साल दो साल बाद अच्छा करके बना लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एक यहाँ भी देख रहा हूं, वैसे मैं गाटर पटिया कम से कम जो बना के देता हूँ, गाटर पटिया का बना के देता हूँ, ये इन बहन का देख सकते हैं जी। तो जी ये भी आपका चादर में बना हुआ है, सीमेंट की चादर में। तो आपने भी, ये दोनों बहन है, ये दोनों बहन है, दोनों ने आमने सामने। कितने गज का है जी? 100 गज का। 100 गज का, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। देखो लोग 100-100 गज के प्लॉट ले रहे हैं और अपने रहने के लिए जैसा हो सकता है, लेंटर वाला चाहिए, पटिया गाटर वाला चाहिए। अब जैसे इन्होंने बनाया हुआ है चादर का, सीमेंट की चादर का, जैसा आपका बजट है आप वैसे गुजारा कर। सिराज भाई मैं सबको कोऑपरेट करता हूँ, ये चाहता हूँ कि मेरा भाई जिसका बजट नहीं है, हाँ हाँ। ज्यादातर उन पे फोकस करता हूँ, जिसका बजट नहीं वो अपना मकान ले, वो अपना बनाए। रही अभी इन्होंने टेम्परेली बना लिया है, हाँ, पर इसके ऊपर पलस्तर वलस्तर करके फिट फोर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें मकान में भी, इनका रहने का गुजारा हो जाएगा। हमने किराए से बच के अपने रहने के लिए बनाया, हम किराए से बच जाएंगे, ठीक है। दोस्तों देखो घर, और देखो एक महीने हो, अपना होना चाहिए। एक महीने के अंदर में देखो कितने मकान बनने चालू है, ये देखो सारे दिखा सकते हैं। ये अभी एक महीने के अंदर लॉन्च करी हुई यहाँ पर, सारे घर देखो बनना स्टार्ट हो गए, कितनी तेजी से काम चल रहा है। दोस्तों एक बात मैं आपसे बार बार कहना चाहूंगा, ये जो आप हाई टेंशन वायर देख रहे हैं ये इस प्रॉपर्टी के अंदर नहीं है, इससे बाहर है। तो आप ऐसा ना सोचें कि यहाँ पर हाई टेंशन वायर आ रही है, एक बार भाई आके चेक कर सकते हैं। आलम भाई यहाँ पर ये क्या काम हो रहा है मशीन? समरसेबल लग रहा है जी, समरसेबल लग रहा है, ये देख सकते हैं, ये जो है समरसेबल लगाया जा रहा है। यानी जब यहाँ पर पानी मीठा है, ये लो जी, यानी पानी बिल्कुल पीने वाला आपको मिलने वाला है। ये इन्हीं का घर है जो जिनसे हमने अभी आपकी बात कराई थी। तो मैम ये समरसेबल वगैरह लगा के पहले से आपने तैयारी कर ली है, यानी कि पानी की कोई दिक्कत ना हो किसी भी तरह से। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर घर के अंदर हर फैसिलिटी दी जा रही है। सिराज भाई मकान में बना के दे रहा हूँ पर खुद खड़े होकर बनवा रहे अपने सामने, कुछ कमी जो भी है खुद अपना बताते क्या करना, खुद कर रहे अपनी मर्जी से बनवा रहे, पर माल मटेरियल सब मेरा लग रहा है। आपसे पूछना चाहूंगा एक बार, आप माइक लेंगे थोड़ा सा, ये बताइए जैसे यहाँ पर लोग कहते हैं कि जी डीलर खुद बना करके दे रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या सही मटेरियल नहीं लगा होगा, तो आप थोड़ा सा बताएंगे मटेरियल के बारे में? नहीं, मटेरियल बिल्कुल ओके, हम अभी तक इसके बारे में कह नहीं पाए हैं कि मटेरियल इसमें आपका ऐसा लगा या ऐसा लगा, कभी मटेरियल के बारे में नहीं बोल पाए हैं हम। और यहाँ पर देखो आपको ईंट भी बजा के दिखा देते हैं, ईंट नंबर एक की ईंट है, ये लो जी, ये देखो अव्वल ईंट है, नंबर एक की ईंट है, देखो और टूट भी नहीं रही है, टूट भी नहीं रही है। तो आपने देखा कितनी अच्छी क्वालिटी की ईंटें लगाई जा रही है यहाँ पर, हर तरह से आपको जो भी मटेरियल दिया जा रहा है वो भी अच्छा है, जगह भी अच्छी है, और पिलर विलर दे के बना रहे, कोई ऐसी बात नहीं। पिलर दिखा देते हैं, ये पिलर हो गया, टाई बीम हो गया नीचे, ये पिलर हो गया, ये टाई बीम है नीचे, ठीक है, एक नंबर काम हो रहा, कोई ऐसी बात नहीं। जैसा मेरा भाई खुश है ऐसा मैं खुश हूँ, ठीक है जी। देख सकते हैं सारे लोग, सब आप भाइयों का प्यार है, साइट विजिट के लिए आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और जो मुझे लगता है यहाँ पर लेने के लिए आता होगा जी, वो तो वापस लेके जाता है जी, मेरा भाई मेरे पास आएगा लेके ही जाएगा। आलम भाई जैसे आपने पूरी कॉलोनी अपनी दिखा दी है, अलग अलग लोकेशन भी दिखा दी है, अब हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो आपसे प्लॉट लेना चाहते हैं, हाँ जी, तो वो यहाँ पर कैसे आ सकते हैं? आपका ऑफिस एड्रेस क्या है सिराज भाई? ऑफिस एड्रेस है हमारा
खजूरी से ऑटो मिलते हैं पूजा कॉलोनी के लिए। ठीक है जी। किसी भी ऑटो वाले से बोलोगे खजूरी आके कि हमें आलम प्रॉपर्टी पे जाना है, कोई भी आपको न्यू आलम प्रॉपर्टी डीलर के पास छोड़ देगा। ठीक है। और ये पूजा कॉलोनी जीवन गेट के पास पड़ता है, और आप मेट्रो से आना चाहते हो शिव विहार मेट्रो स्टेशन है, शिव विहार मेट्रो स्टेशन आके कॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर पूरी बसावट आप देख सकते हैं, इस तरह से सभी लोग यहाँ पर रहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सभी लोग खूब अच्छे से रह रहे हैं, भाईचारे की तरह। और यहाँ पर देखो कैसे कैसे मकान बने, रोड ये भी घर पे काम स्टार्ट हो गया, यहाँ पे काम पूरा किया जा रहा है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों एक बिजली का मीटर, इधर भी आप देख सकते हैं ये बिजली का मीटर लगा हुआ है। हर मकान पे बिजली का मीटर मिलेगा, पक्की लाइट मिलेगी और पानी की लाइन भी है। तो सर अब जैसे आपने ये सारी चीजें बता दी हैं, अगर कोई किस्तों पे लेना चाहता है उसको आप कितना टाइम दे रहे हैं? किस्तों में 3-4 साल का टाइम दे रहे हैं। ठीक है जी। जो आपका बजट है 10,000-20,000-50,000 वो जमा करो, फिर अपना हर महीने किस्तों में देते रहो जैसे आप पे बने। जो खा पी के बचे वो देते रहो, महीने में 5,000-7,000-10,000 जो बचे वो देते रहो। ठीक है। तो दोस्तों आपको वीडियो के अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अगर आपको फिर भी कोई इंक्वायरी करनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, और आपके अपने चैनल सिराज सैफी को सब्सक्राइब करें, और साथ में होगा एक घंटे का बटन यानी बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।